हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाएंगे बचे हुए ब्रेड से टेस्टी सा नाश्ता। तो बनाना शुरू करते हैं। तो एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें हम जो ब्रेड हमारा बचा हुआ है उसको हम डाल लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको पीस लेंगे। तो देखिए, हमने इसको पीस लिया है। तो एक बोल में हम इसको निकाल देंगे। देखिए, हमने निकाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, एक टमाटर हमने काट लिया है, कड़ी पत्ता, प्याज और हरी मिर्च, और इन सभी को हम इसमें डाल देंगे। और ये नाश्ता बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ी सी इसमें हल्दी, और इसमें चाट मसाला डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। बाकी इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, इसको हमने मिला लिया है अच्छे से। इतना ही मोटा हमें रखना है। तो देखिए, इसको हमने मिला, एक तरफ हमने छोटा सा पैन रखा है, गैस को जला लेंगे। इसको हम आँच को हम धीमे ही रखेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बहुत कम ऑयल में ये हो जाता है। तो 2 बूंद करीब हमने इसमें ऑयल डाला हुआ है, और चारों तरफ ऑयल को हम फैला लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे मस्टर्ड सीड, इससे टेस्ट बहुत इसका बढ़ जाता है। उसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता। इसे डालने से देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो जो अपना बेटर बनाया था उसमें हम डाल लेंगे। तो ये अपने आप ही शेप ले लेगा, थोड़ा सा इस तरीके से हम कर देगा तो ये फैल जाएगा। और इस ऊपर से भी हम मस्टर्ड सीड डाल देंगे। और एक साइड से हो गया तो इसको हम पलट लेंगे। और बिल्कुल ये नरम होता है, बहुत सॉफ्ट होता है ये, और बहुत जल्दी बन भी जाता है। तो देख सकते हैं कितना कलर इसका चेंज हो गया, कितना अच्छा लग रहा है इसका। तो दोनों साइड से हो गया तो इसको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे और इसी तरह अपना सारा बना लेंगे। तो देखिए, इसी तरह हमने सारा बना लिया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी, तब तक के लिए बाय।